Hey guys, assalamualaikum, welcome back to my channel and those who all are new to my channel, this is Marzina Khan. मेरी हालत आप देख सकते हो, तो हालत देख के आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर. तो हाँ, हमारी शिफ्टिंग हो रही है और थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने ऐड कर दिया है. वैसे तो मेरे भाई की शादी भी है, बेबी को इंजेक्शन भी लगा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं. देख सकते हो यहाँ पर कितना सामान है. वार्डरोब और बेड होने का बहुत फायदा होता है, ये सब अंदर चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता. जैसे शिफ्ट करने आया और ये बाहर आया तो पता चला कि इतने सामान हमारे पास है. तो चलो मैं आपको हमारी शिफ्टिंग की जर्नी बताती हूँ. वैसे तो जल्दी जल्दी में कुछ हो नहीं पाया, शॉर्ट थोड़ा बहुत हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ. ड्रेसिंग टेबल में कर रही हूँ खाली और ये जा रहा है मेरे घर. और इस बार हम लोग कुछ डिफरेंट करने वाले रूम में, तो स्टे ट्यून, आपको गुडर्स के ब्लॉग में दिखेगा कि हम क्या डिफरेंट कर रहे हैं. अभी तो मेरा बहुत प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल जा रहा है, छोटी बहन बहुत याद आएगी. ये सारे स्किन केयर है और मेकअप तो देखो, इसके अंदर भी स्किन केयर है और मेकअप 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 सब जगह मेकअप. तो मैंने ये एक सेक्शन खाली कर दिया है और ये सारे कपड़े ये जंबो में चले गए हैं. वैसे ही सेम ये सबको भी खाली करके हमें जंबो में डालना है. और गुलेश जी स्ट्रीम कर रहे हैं, बहुत डेडिकेटेड है अपने काम को लेके. टीवी हमने निकाल दिया है और पैकिंग करना मैं भूल गई थी, तो नेक्स्ट डे ये देखो कितना सारा कपड़े बाहर आ गया. और गुलेश जी अपने चेयर को बाहर निकालते हुए स्ट्रगल कर रहे हैं. और ये वार्डरोब हमने बनाए थे स्पेशली, कस्टमाइज़ किए थे, तो काफ़ी बड़ा है जो डोर से नहीं निकल सकता है, तो उसको पीसेस करके हमें निकालना पड़ता है और वहीं फिर ऊपर जाके वो लोग फिक्स करते हैं. और ये देखो गुलदेव जी फिर कोई चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं. तो ये हमारा गोगो है जो गुलदेव जी ने मेरे लिए कतर से लेके आए थे, अब उसको बिठा दिए. अब अंकल भी बैठ गए वार्डरोब के अंदर और ये देखो आरजू भी बैठ गई है बेड के अंदर. चलो आरजू जल्दी जल्दी, हाथ चलाओ जल्दी जल्दी, बहुत मुश्किल है. और मेरा बच्चा देखो गुलदेश की स्ट्रीमिंग चेयर पे बैठा है, स्ट्रीमिंग चेयर पे. मेरी ताला निकल गई है, मैं सब निकाल के यहाँ रखती हूँ, फिर बाद में डाल दूंगी. हाँ हाँ डालो डालो, नहीं इधर ही डालो ना, डबल डबल मेहनत मत करो, डायरेक्ट इसमें. ज्वेलरी को साइड रख दो खाली, वो ज्वेलरी का डब्बे को इधर रख दो. भाई की शादी, हमारी ज्वेलरी काम आएगा. मार्केट जाने का टाइम नहीं है तो इसमें से ही कुछ पहनना पड़ेगा अभी जल्दी. कितने कपड़े निकल रहे हैं इसमें से, बाप रे बाप, इतने 10-20 थैले खाली करने के बाद भी इतने सारे कपड़े, बाप रे. तो मैं वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं. हाँ हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसियों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो. तो फाइनली वार्डरोब चले गया है, टेबल भी बाहर चले गया है जो अभी हॉल में है शायद. ये देखो गुलरेश जी का गेमिंग टेबल वो लेके जा रहे हैं और बाहर के भी दो वार्डरोब थे. भूख लगी है बहुत, हम लोग थक गए हैं, इतना सफा करके कल भी हम लोगों ने इतना सफा किया. मज्जू तुम मत कर, तुम प्रेग्नेंट हो. मैं उठा नहीं सकती, बट अब क्या करे, करना तो पड़ेगा. नहीं नहीं, मेरे भाई की शादी भी आ गई है साथ ही साथ, और आज हल्दी है और मैं इसमें फंसी हूँ. हाँ मैं करती, देखो कितना कबाड़ा है ये. अभी हमने कल इतना सारा करा तब भी इतना बचा है. नहीं मुझे नहीं, तो नहीं तुम नहीं, तुम नहीं करो, तुम नहीं करो, तुम प्रेग्नेंट हो. नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा भी ऑपरेशन हुआ है, अभी क्या होगा. नहीं मैं करूँगी, सब मैं करूँगी, तुम मेरी हेल्प मत करो, मैं खुद कर लूँगी. जिसके घूम गया था, जो घूम ढूंढ के थक गए, मिला अब यहाँ, अब मिला जब हल्दी हो चुकी है, अब क्या करे. अभी सुबह इसको ढूंढ ढूंढ के थक गए और ये मिला यहाँ. मैं वीडियो हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो जल्दी. ये क्या हो रहा है, स्लो बोलिंग तो जोर से मारे. हो गया, हेल्प करो ना, थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो करके क्लियर कर रहे हैं हम लोग. और ये सामान निकले यार, कितने ये सारे हमारे कपड़े हैं और ये गुलरेज के टेबल के है सामान सारे. माइक है, बेचारा माइक इधर पड़ा है, बहुत सारा बहुत सामान निकला यार इतने से. और यहाँ पर है गुलेश का टेबल जो स्ट्रीमिंग आप करते थे, यादें हैं, याद है, मेमोरीज है हमारी, बहुत याद आएगी इसकी भी. ये सब निकालना, नैनोलीफ वगैरह. हाँ नैनोलीफ तो बहुत जरूरी है, ये सब निकलेगा अभी, सब रखी है ना तुमने. और जो आपने आपने तो देखा होगा सेटअप कितना अच्छा किया था, और अभी इससे भी और अच्छा हम लोग ऊपर करेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट. उसका लुक आप देखने के लिए एक्साइटेड हो. गुलरेश कैसा बनाना चाह रहे हो आप, थोड़ा बहुत डेमो दे सकते हो कि मैं तुम क्या बनाना चाह रहे हो. सरप्राइज
सरप्राइज, तो सब वेट करना, न्यू सेटअप आएगा। ये स्टिकर निकाल सब। तो जब तक अगर आपको देखना है कि ये सेटअप हम लोग ने कैसा किए थे, तो आप गुलरेस को बोल सकते हो कि गुलरेस के पास रॉ क्लिप्स है, वो एडिट करके आपको बता देंगे कि हम लोग ने ये सब सेटअप कैसे किया था। उसके बाद आपको न्यू सेटअप दिखाएंगे। इसलिए फेंक दूं? सब फेंक दे। तो कपड़ों की सेटिंग हो रही है, बहुत मुश्किल से तो बेड बंद हुआ है, फिर भी यहाँ पर बहुत सारे सामान पड़े हुए, कैसे अंदर जाएंगे हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। और पूरा रूम तो नहीं बताऊंगी क्योंकि उसका सेटअप टूर आएगा। तो चलो अभी फटाफट हम लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं और फिर हमको रेडी होके मेरे घर जाना है क्योंकि मेरे भाई की हल्दी है। हल्दी है, मेहंदी कल है। चलो जल्दी 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 जल्दी। शिफ्टिंग कर करके हालत ख़राब हो गई है, थोड़े बहुत हम लोग सेट कर रहे हैं और शौहर जी ने लाए हैं हमारे लिए हमारे फेवरेट गरम गरम समोसे। थैंक यू। डे टू एंड स्टिल वर्किंग, पूरा लुक बाद में आएगा। डे फोर, और हम लोग अभी सामान, जैसे मेरे भाई की शादी थी तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो कुछ कर नहीं पाई। ये मेरा घर है, इस घर में नहीं आ रहे, इस घर में शादी हुई, इस घर में बेबी हुआ, इस घर में नहीं आ रहे, इस घर में जाने का मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, मन जो फिर से ले लो ना घर, इस घर में नहीं आ रहे, इस घर में बेबी हुआ, इस घर में मदीना की शादी हुई, तो आरजू ने सही कहा, इस घर में बहुत यादें हैं मेरी, जैसे मैं शादी करके यही घर में आई थी। खोलिए जरा, दिखाइए हमारा रूम। शादी करके मैं इस घर में आई थी और अब भी तो कुछ ये ऐसा लग रहा है, पर उस वक्त पे तो बहुत मज़ा आई थी। जैसे मैं शादी करके आई थी तो रस्म हो रही थी यहाँ पर मेरी, और ये वो जगह है जहाँ पर गुलरेस जी स्ट्रीम करते हैं थे और मेरा बेबी भी यहीं हुआ। देखो हमारी टीवी कहाँ पड़ी है, बहुत ज़्यादा मैस है और घर में शादी शिफ्टिंग सब बहुत मुश्किल होता है। पूरा ऊपर सामान सेट हो चुका है और बाकी ये है, पर ऊपर रखने की जगह नहीं है। अब ये सब सामान हम रखें कहाँ? फेंक दो। और ये टीवी 1 लाख की, इसको फेंक दो। गुलरेस जी मेरी जान ले लेंगे, ये तो मेरा गिफ्ट है, संभालो टीवी को। ऐसा पत्थर मार के फोड़ दूंगी। देखो कितने सारे सामान है, ये सब गुलरेस जी, मैंने मेरे कपड़े तो फिलहाल सेट कर दिए, ये सब गुलरेस जी के कपड़े हैं, अभी ऊपर जाके सेट करना है। बस मेरे भाई का रिसेप्शन हो जाएगा तो हम लोग फटाफट ये सेट कर देंगे और हमारे पास सिर्फ 2 दिन है ये करने के लिए क्योंकि घर खाली करना है। कुछ सामान अभी हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, जब तक टाइम मिलता है तो कर सकते हैं। ये है मेरी शादी का कार्ड जो कि बहुत मुश्किल से बना था, इसके अंदर एक रोल है, मैं आपको बताती हूँ। तो ये है मेरी शादी का कार्ड और बहुत मुश्किल से बना था, जैसे मेरी शादी बहुत जल्दी जल्दी 10 डेज में, नहीं स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी आपको मेरी शादी की, बस आप देख लो मेरी शादी का कार्ड ये है, मेरी शादी की स्टोरी, मेरी शादी का ब्लॉग सब आएगा, स्टे ट्यून। अभी फिलहाल मैं संभाल के रखती हूँ क्योंकि शादी का कार्ड संभाल के रखना चाहिए। मेरी मम्मी की शादी को 34 ईयर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह और उनके पास अभी तक उनकी शादी का कार्ड है और मैं 27 के, तुम भी नहीं हो। हाँ, तो अब मैं भी अपनी शादी का कार्ड संभाल के रखूँगी। चलो तुम क्या कर रहे हो? मैं देख रही हूँ काम काम की चीजें हम लोग वो रखेंगे, बाकी फेंक देंगे। शूज है ज़ारा के, ये चप्पल, आप लोग पहले शुरू शुरू में देखते हो क्या था सब कुछ, अभी हम लोगों ने सफा किया वरना इतना गंदा हो रहा था। ये देखो क्या कबाड़ा भर के रखी है, मेरा हेलमेट, मेरे हैंड ग्लव्स, हाँ ये काम की चीजें, फेस वॉश, ओ ये देखो सब कुछ रखा जा रहा है। यहाँ गुलरेस भाई स्ट्रीम करते थे पहले, यहाँ आधे बरसा रहे, यहाँ पर भी तुम लोग यहीं आधे बरसा रहे, यहाँ पर गुलरेस भाई स्ट्रीम करते थे। जल्दी जल्दी देख लो, इस व्लॉग में हम सब कुछ दिखाने वाले हैं, मत जल्दी जल्दी करो।
जब तक हम लोग सफर करते हैं, जब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट कर देना। ये साफ करते करते हमें मिला डोर जो गुलेची अपने दोस्त की शादी के लिए लाए थे। और ये देखो, आज तो ऐसे नहीं, मैं सिखाती हूँ तुमको। आ जाओ, आ जाओ, मैं सिखाती हूँ। अब फॉलो भी कर दो, कमेंट भी कर दो, सब कुछ कर दो। थोड़ा बहुत बेचारी बच्ची करना भी कर दो, इतनी लाची अपने आप को प्रमोट कर रही है। इतनी अच्छी बच्ची हूँ बेचारी। बस इतना गुस्सा, कब से बेचारी ढोल बजाने की कोशिश कर रही है, उसको आ रहा नहीं है, तो इरिटेट हो गई। कोई बात नहीं आरजू, प्रैक्टिस करो, मोर प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, सो यू ट्राई ट्राई अंटिल यू सक्सीड। यहाँ से शिफ्ट होने से पहले ढोल बजाना सीख जाना, ठीक है? करती हूँ मैं ट्राई। ट्राई करो, आग बंद करो। अलीशा के लिए मैंने एक गिफ्ट लाई हूँ, आग बंद करो और पहचान लो। कपड़े खोलो, खोलो। हाँ स्टार्ट किए ना तुमने? हाँ। खोलो जो तुमको पसंद था वही। ये अलीशा ने मेरी बहुत हेल्प की है जब मैं प्रेग्नेंट थी, और मैंने अजवाइन का पानी पिला पिला के बहुत ज्यादा, मतलब इसने मेरी मम्मी का, हस्बैंड का, सासू माँ का, सबका रोल निभाई है। मैं और गुलरेस और अलीशा ही थे, और उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, तो मुझे उसकी बहुत याद आएगी और उसके लिए प्यार से ही। थैंक यू। आरजू की बारी है, आरजू यहाँ आना बेटा, मेरे तरफ से आपके लिए गिफ्ट। तो ये है आपकी पैंट, हैप्पी कर रही है। फिर से कट अब कट कर स्टार्ट। तो अभी आरजू का टर्न है आरजू के लिए गिफ्ट, क्योंकि आरजू ने भी आफ्टर प्रेगनेंसी आरजू ने भी मेरी बहुत हेल्प की है। मुझे अजवाइन का पानी, मतलब टाइम टेबल, मतलब सुबह उठ के शाम में रात में बराबर देती आरजू के लिए है। आ जाओ आरजू, ये है आरजू की लड़ी। नाइस है, बहुत अच्छी है। चलेगा और कुछ है? और कुछ है। और ये है माय फेवरेट। और ये है चीता, चीता प्रेंट। और आरजू के क्लिप भी है जो पहले ले ली आरजू ने। तो आरजू तुम्हारी बहुत याद आएगी, जाओ तुम मेरे पास। और हमारी प्यारी सी शबनम खाला को भी हमने लाए हैं, जो उन्होंने पैक कर दिए। शबनम खाला की भी बहुत याद आएगी, उन्होंने भी मेरी हेल्प की है, मतलब बेबी को मालिश करने में, और सब उनको पता रहता है सब किधर है, और बराबर मतलब कभी कुछ मिलता नहीं है तो उनको सब पता रहता है कि किधर है। ठीक है, तो खाली शबनम खाला को पूछने का कहाँ है, वो फटाफट ढूंढ के निकाल लेते हैं। मैजिक डांस कर खाला। और शबनम खाला ने मेरे लिए बड़ा ही टेस्टी ओहो, ओहो। तो मैं भी खाऊंगी। ओहो ये माय टॉप है, निकाल दे। ओहो ये देखो, थोड़ा खाई थी, थोड़ा बाकी। बहुत टेस्टी, मतलब गाजर का हलवा मैंने भी करी है, खाई मस्ती हूँ। इतना टेस्टी कभी नहीं खाई, मेरी मम्मी भी टेस्टी बनाते हैं, बट ये कुछ और ही था, मतलब इसमें कोकोनट था। देखो मुझे को भी खाने का है। बहुत टेस्टी। थैंक यू शबनम खाला, वेलकम। आदू मां की वेलकम। तो ये जो वॉलपेपर हमने लगाया था, मैंने सोचा हम उसको निकाल के ऊपर जहाँ पर हम शिफ्ट होके जा रहे हैं वही कहीं यूटिलाइज़ करेंगे, किचन में या तो कहीं पर लगा देंगे, क्योंकि ये उनको तो यूज़ नहीं आएगा, वो निकाल ही देंगे। और यहाँ पर हम उनको क्लीनिंग करा के दे रहे हैं, और ऊपर का काम स्टार्ट हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हो, और सेटअप टूर आपको गुलरेश जी के व्लॉग में दिख जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। And till the time, this is Marzina Khan signing off. Do like, share and comment to my video.